इंग्लैंड की जितनी नेशनल हेल्थ सर्विस है वो बाय लार्ज इज मैन बाय पीपल फ्रॉम इंडिया एंड ऑफ कोर्स सम फ्रॉम पाकिस्तान मे बी सम फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया द वाइट पीपल डोंट वांट टू वर्क देयर व्हिच इज वेरी गुड फॉर अस सिमिलरली Most of the software in US, and I know all of you know it, is run by the Indians who have gone from here because they are the most talented. And why I'm saying this, because I'm also an Indian like all of you, and it's a matter of pride. When you learn about it, that most of the software industry is dominated by the Indians. Similarly, I do not know whether the number is domination for the NASA. You know NASA? Lot of NASA products is invented or done by the Indians. So, they're not dominating, they're not 50 plus, but never mind, 40 is a good number. So, what is the situation? We have the necessary talent. Most of the people who have gone from here did their elementary education here. And then, of course, होती रही और पहले 10-20 हिंदुस्तान से लोग गए फिर जब अच्छा काम हुआ तो वहां की कंपनियों ने कहा कि नहीं हमारे लोग तो नालायक के काम करते नहीं हिंदुस्तान से लोगों को लाएंगे और लाए और कंपनियों ने लाए तो वो कोई मेरे को ही आपको विलाइज करने के लिए नहीं लाए वो उनका अपना कॉरपोरेट इंटरेस्ट था जिसके लिए बोला तो क्वेश्चन इज हमारे यहाँ वो प्रतिभा है एंड आई एम नॉट चेक द डीएनए देयर इज नो डाउट इन इट बट द डीएनए टेस्ट होगा नहीं कभी क्योंकि नहीं होगा इसलिए नहीं होगा कि वो रिजल्ट यही आएगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे यहाँ इतनी बड़ी सुपीरियोरिटी है हमारे यहाँ तो क्या कारण है जो हमारे मुल्क में इतनी बड़ी पावर्टी है ना पावर्टी और मुझे पता है यहाँ पे जितने आप लोग स्टूडेंट्स हैं प्लस और भी आपके जो फ्रेंड्स वगैरह दूसरे जो नहीं आ पाए आज सबके सामने एक ये समस्या होती है कि ये स्कूल में कॉलेज में पढ़ के निकलेंगे तो करेंगे क्या रोज अखबारों में आता है रोज हम सुनते हैं कि हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है या नहीं बढ़ रही है